बेनिफिट क्या है और ये क्या बनाना आसान है और ये किन चीजों में आपकी मदद कर सकता है। आप लोगों को ये तो मालूम है कि आई एम नॉट बेस्ड इन इंडिया और मैं बाहर रहती हूँ एंड मेरे पास मल्टीकल्चरल क्लाइंट्स होते हैं जिनको मुझे केटर करना पड़ता है और उनको जो है मैं वैदिक रेमेडीज या हमारी जो हिंदू धर्म की रेमेडीज हैं कई बार मैं नहीं दे सकती, मोस्टली मैं नहीं दे सकती। इवन कि हम हिंदूज भी अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित आपको बोलता है कि भाई ये इतना आपने मंत्र जाप करना है, ये जड़ी बूटी को आपने लेकर आना है, उस जड़ी बूटी से स्नान करना है, उस जड़ी बूटी बेसिकली वो जो चीज है वो हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं अवेलेबल है, ये चीज रेमेडीज के उस शेप में अवेलेबल है, मगर इसको इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए सिरदर्दी भी हो जाता है कई बार कि भाई ये जड़ी बूटी हम कहाँ से लाएंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे, वो पानी में डलेगी, फिर उसको नहाना पड़ेगा, कभी आप भूल जाते हो, कभी आप कर नहीं पाते हो। तो उस वजह से ये जो नक्षत्र सोप एंड कैंडल मैजिक की रेमेडीज हैं ये हम लोगों ने पिछले 4 साल से यूज कर रहे हैं और अब मैं इसको इंडिया में लॉन्च के लिए कि भाई आप लोग सीखें और आप इस चीज को आगे लेके जाएं, बिकॉज दिस इज माय रिसर्च फॉर लास्ट 3 इयर्स और इसमें हमने रिजल्ट्स देखे हैं। इसके लिए आप लोगों के जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा ज्वाइनिंग का कि भाई जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करेगा उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको वैदिक या केपी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट रेमेडीज की बात करेंगे, हम यहाँ पे बेसिक कोई एस्ट्रोलॉजी की कोई पद्धति सिखाएंगे नहीं। तो अगर आपको वैदिक आती है या मालूमात भी है थोड़ी, अपनी कुंडली को आप खाली ऊपर ऊपर से भी देख पाते हो, या आपको केपी की नॉलेज है तो आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल हो ज्वाइन करने के। पहला तो हमारा ये रूल है। सेकंड जो इसमें क्लासेस रहेंगी उसके लिए हम एक-एक 28+ क्लासेस होंगी और उसमें हम एक-एक नक्षत्र को लेके चलेंगे और उसका हर क्लास में आपको जो है एंड में उस सोप को बनाना दिखाया जाएगा कि वो सोप बनता कैसे, उसको रिचार्ज चार्ज कैसे करना है, कब बनाना है, आपने कौन सी चीज के लिए कौन सा सोप बनेगा आपका। इसमें आपके लिए दो फायदे हैं कि एक तो आप सोप्स उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है इन सोप्स की, ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपने जो है इट जस्ट लुक लाइक अ नेचुरल ऑर्गेनिक सोप्स की तरह होते हैं, प्लस उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, प्लस इसके अंदर कोई भी स्किन के ऊपर कुछ भी होने का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि 27 से 28 सोप्स आपको मिलेंगे, 28 के 8 सोप्स टेस्टेड हैं सारे और इसके अंदर मतलब छोटे बच्चों से लेके बूढ़े इंसान तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक क्लास जो 2 घंटे की रहेगी उसमें एक नक्षत्र को हम जानेंगे, उस नक्षत्र से रिलेटेड रेमेडीज हम जानेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो टेक्निक भी हम जानेंगे और फिर आप हम लोग वो सोप बना के क्लास को एंड करेंगे। लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड जो भी हमारे पास लिस्ट इसके लिए हमें जरूरत है वो हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर देगी, यानी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी तो आपके पास सारी इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे। तो हर क्लास में एक-एक नक्षत्र पे हम लोग काम करेंगे और एंड ऑफ द कोर्स में आपके पास सारे सोप्स बनके तैयार हो जाएंगे और आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, उसको चार्ज कैसे करना है, किस दिन बनाना है, क्या क्लाइंट जो आपके पास है आपने कैसे देना है, वो सारी चीजें। फिर आती है बात कैंडल मैजिक्स की। कैंडल मैजिक मैंने
एक चीज नोट करी है कि आप लोग ऑफिस में बैठे हो या आपका क्लाइंट बिजनेस में है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, तो कैंडल्स उसकी ही सेम, जिस चीज जो रेमेडी आप घर पे कर रहे हो इन द सोप फॉर्म, वही उसी चीज की कैंडल जो है वो अपने वर्क प्लेस पे लगाता है, तो उससे उसको डबल बेनिफिट मिलता है। बेसिकली ये जो रेमेडीज हैं ये क्या चीज आपको बताती है, ये आपको टू वार्ड ऑफ योर नेगेटिविटी इन योर लाइफ, लेकिन वो नेगेटिविटी का एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको आ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग पिन पॉइंट करके रेमेडीज देते हैं। इसके अंदर आपको मोस्टली हर चीज की रेमेडी मिलेगी, कोर्ट केस हो गया, शादी हो गई, रिलेशनशिप हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, तो उसको देना कब है, कैसे देना है और क्या चीज चेक करके देना है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। बट यस, इस कोर्स को करने के लिए जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसके लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा कि उसको वैदिक की नॉलेज हो या केपी की नॉलेज हो, यानी वो एस्ट्रोलॉजी में नया नहीं हो, वरना कोर्स सर के ऊपर से जाएगा, वो सिर्फ सोप बनाना सीखेगा। उसको जैसे आप डॉक्टर्स हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन देना है सामने वाले को, आपने प्रिस्क्राइब करनी है मेडिसिन, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको बेसिक नॉलेज या आपका जो बैकग्राउंड है वो वैदिक या केपी से नहीं होगा। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग हैंड रेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं एक-एक से बात करूंगी, जिन जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको हम लोग निकाल सकते हैं, बात उस पे हम कर सकते हैं। तो प्लीज जिनके भी कोई क्वेश्चंस हैं वो प्लीज हैंड रेस करें। जी मनविंदर जी, जी मैम, मैम मैं आप अभी बता रहे थे तो अगर नहीं है मुझे, जैसे अब मैं बिल्कुल, तो फिर क्या क्या करें उस चीज का, कैसे कर सकते हैं? मनविंदर जी आप जो हैं फिर वही है ना, मैंने क्या मैंने आप अभी यही कहा कि आपके लिए फिर ये सिर्फ एक सोप बन जाएगा, बट जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी उनके लिए थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होएगा समझ पाना कि सोप किस चीज में यूज होना है, क्योंकि ये सारा कनेक्शन जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस से है इसका कनेक्शन। ओके okay. जी तो उस तो मैम केस में उसमें क्या, आप उसको सिर्फ खाली बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कैसे? बेसिक मतलब आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए कि हमारी कुंडली में 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। तो मैम आप उसका ओवरव्यू वगैरह नहीं दोगे कुछ? नहीं मैं बेसिक नहीं सिखाऊंगी ना इसमें मनविंदर जी, क्योंकि ये कोर्स है सिर्फ नक्षत्र सोप्स एंड कैंडल मैजिक का। ओके जी तो मैं ये नहीं ठीक है सिखाऊंगी मैम, आपको कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, मैं आपको आगे की जर्नी की भी आप कौन सी चीज के लिए क्या इस्तेमाल करें और आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक जी यू. जी जी हिरल जी, जय श्री कृष्ण मैम. जय श्री मैम कृष्ण। जैसे आपने कहा कि बेसिक नॉलेज, तो जैसे मुझे कुंडली पता है कि ग्रह कितने हैं, हमारा हाउस कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत उस नक्षत्र के बारे में भी पता है, लेकिन वेरी पूरा गुड। वैदिक का नॉलेज नहीं है, हाँ कोई बात वैदिक नहीं, प्योर. कोई बात नहीं, हाँ, तो मैं अगर ज्वाइन कर आपको सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको ये पता है ना कि भाई आपके पास आपको बेसिक नॉलेज है, मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, बिल्कुल आप जीरो नहीं हो कि भाई आपको ये पता है कि 12 ग्रह हैं और 27 ह्यूमन नक्षत्र होते हैं, 28वां एक नक्षत्र जो है वो बहुत छोटा नक्षत्र है, उसका आपको पता है तो यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि आप उस पे कर पाओगे काम। ओके थैंक यू मैम, जय श्री जी कृष्ण. जी जी मेघना जी, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम? गुड गुड, आप कैसे हो? ऑल गुड मैम. मैम हाउ इफेक्टिव इज दिस एज अ वेरी रेमेडी? आर वेरी इफेक्टिव. वेरी इफेक्टिव।
दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज मैम, ये कितना काम करेगा? आई मीन इन अ रेटिंग ऑफ 10, तो आप उसको मैम क्या रेटिंग दोगे? दिस इज मैं जस्ट उसको 8 और 9 से रेटिंग दूंगी, प्रोवाइडेड अगर आपने नर्व्स, बीमारी की नर्व्स सही पकड़ी हो तो। मैम, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो आई डोंट थिंक आई ओके शुड गो रॉन्ग, तो दैट्स द रीजन. ठीक है, थैंक यू मैम. जी जी हिरल जी। हिरल जी आपका ओके हाँ जी मैम, मेरा मेरी बात हो गई आपसे? ओके। सॉरी. सिंथिया जी आप अनम्यूट कीजिए, आपने चैट में लिखा था। हेलो, ओके। अभी अगर आप, हम लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे हमारे ग्रह मंडल के अंदर जो है उसके अंदर 27 नक्षत्र है। कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि 27 जो नक्षत्र हैं, और जिसमें 28 एक छोटा नक्षत्र अभिजीत कहा जाता है, जिसमें आप देखोगे कि कोई योग आत्मा जन्म लेती है, यानी भगवान ने, उस पावर ने एक ऐसा छोटा पॉइंट अपने लिए रखा है कि जिसमें बहुत बहुत ज्यादा कम मनुष्य, जो मतलब कि पहुंचे हुए लोग या जो संत और उसकी योनि में आते होंगे, उनका जन्म उस पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है। हर इंसान का, कॉमन आदमी का उस नक्षत्र से मतलब ऐसा हो जाएगा कि पैदा होने वाला बच्चा भी वो नक्षत्र को क्रॉस करके ही पैदा होगा या पहले हो जाएगा। तो ऐसा वो जो नक्षत्र है 28वां, जिसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है, वो नक्षत्र को आप इस कोर्स के माध्यम से कैसे एनर्जाइज करोगे कि भाई आपकी रेमेडीज 100% सामने वाले को लग जाएंगी, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा कि आपके पास जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि हम इससे कोई, ठीक है आप लोगों को सबको ये पता है कि भाई जो इंसान किस्मत में लिखवा के लाया है वो तो भुगतना ही है, बट अगर वो भुगतना है और उसको हम पहले पकड़ लें, टाइम से आने से पहले हम उसको पकड़ लें, तो वो चीज को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कैंसर जैसी बीमारी ठीक नहीं होती है, मगर आप इंसान को राहत दे सकते हो सिर्फ, तो वो जो सोप रेमेडीज हैं उससे हम उसको थोड़ी सी राहत दे सकते हैं। उसका जो मनोबल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, माइंड की जो स्ट्रेंथ है, हम उसको इंक्रीज कर पाएंगे। और कई बार मैंने देखा है किसी किसी केस में कि इंसान लंबा जी जाता है, जहां पे 2 साल कहा वहां पे वो 4 साल जी जाएगा। बड़ी चीजों में तो ये सोप रेमेडी ऐसे काम करती है, छोटी चीजों में, मान लो किसी का कोर्ट केस है, किसी के ऊपर लिटिगेशन आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो वो सारी जो चीजें हैं आप इससे टैकल कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं। वो कैलकुलेशन जो है, आप जब नक्षत्र सोप रेमेडी को करोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे और उसी हिसाब से आप सामने वाले को रेमेडी दोगे। मेघना जी पूछें। प्रिया जी पूछें। हेलो मैम. जी मैम, ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि हम नक्षत्रों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आप हमें इस कोर्स में ये हमें आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे? वैसे हमें वैदिक आती है थोड़ी हाँ बहुत, बिल्कुल बहुत. बिल्कुल हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में आपकी नॉलेज है, आगे यस. कैसे बढ़ना है वो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि जब आपने ये कोई नक्षत्र सोप बनाया, आपने देना किसको है वो तो आपको समझ में आना चाहिए ना, कि भी मैं किस चीज के लिए। अब अश्विनी नक्षत्र का सोप है, अश्विनी नक्षत्र जो है उसके जो लॉर्ड है वो केतु है। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हर 4 चरण के अपने अपने दृक्पाल होते हैं। अब वो दृक्पाल जो है, और आपका एक लॉर्ड है, और जो सामने वाला आया है आपके पास, उसको मान लीजिए कि उसको वो ये कह रहा है आपसे
कि मेरे को, मैंने इतनी दवाई करी, मुझे कोई दवाई लगती नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी जाती ही नहीं है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है वो हीलिंग का नक्षत्र है, वो हीलर्स होते हैं। अब वो हीलिंग का जो नक्षत्र है उसमें आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, हम कहते तो 28 सोप्स हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत कॉम्बिनेशंस बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा कि अश्विनी नक्षत्र है, केतु उसका लॉर्ड है, चार चरण है, चारों चरण के अलग अलग लॉर्ड्स हैं, तो वो जिस चरण में इंसान पैदा हुआ है, भाई जिसका जन्म आपके पास आया, मान लो वो अश्विनी नक्षत्र का है, अब अश्विनी नक्षत्र के जिस चरण में वो पैदा हुआ है, तो आप उसके मुताबिक उसको वो रेमेडी दोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग से किसी का नहीं नक्षत्र प्रॉब्लम ये चेंज। कोई ऐसा, हाँ ये देखो, आपके पास आने वाला व्यक्ति, ऊपर वाले ने उसकी कहीं तो वो जड़ रखी हुई है ना, वो जड़ को यस आपको पकड़ना पड़ेगा, और वो ही इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा विद द रेमेडी। मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने पहली बार ज्वाइन किया आपका डेमो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वैसे बेसिकली मैं कोई प्रेडिक्शन, मतलब मैं इस फील्ड में बस सीखती हूँ एज ए हॉबी। अभी तक मैंने इसको कोई एज ए प्रोफेशन यूज की नहीं किया, पर मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज। नहीं आप इसको थैंक इस्तेमाल करो, और सोप्स प्रिया जी, मतलब कि इतने फ्रेग्रेंट सोप्स हैं कि आपका बनाया हुआ सोप कोई भी यू। मार्केट के सोप से नीचे, ऐसा लेस वो उसमें कैटेगरी में नहीं जाएगा। इट्स वेरी सेफ टू यूज ऑन द बॉडी एंड पर्सन विल ऑलवेज कम बैक टू यू। इसमें शॉप में भी ना, सोप्स में भी कैटेगरीज होती हैं, जिससे 5-4 नंबर्स होते हैं इनके, तो वो नहीं ये जो सोप्स हैं ये सारे हर्बल सोप्स बनते हैं, ठीक है, और अच्छा। इसमें ग्लिसरीन बेस सोप बेस होती है जो कि सारी स्किन्स के लिए आपको बेनिफिशियल होती है। छोटे बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें हम कोई चलिए, भी प्रिजर्वेटिव्स या कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते। जैसे इंडिया के अंदर ना काफी जगह कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर पानी बहुत खारी होता है, जैसे कहते हैं नमक का होता है, तो वहां पे हर सोप चलता नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सोप ही काम करते हैं, तो ये हर जगह चल सकेगा ये हर जगह चल सकेगा। मैम? इसकी फीस क्या होगी आपके कोर्स की? मैं अभी एकेडमी से कहती हूँ कि वो शेयर करेंगी पूरा पीडीएफ, तो टाइमिंग क्या होगा आपको आपके इसके कोर्स का टाइमिंग? टाइमिंग जो है मंडे एंड सैटरडे की क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग की, सेम जिस ओके, टाइम जैसे 11 AM से। टाइम भी मुझे सूट कर रहा है, बस आपकी फीस और जानना चाहती हूँ। ये जी तो अभी वो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा पीडीएफ। कब से स्टार्ट होगा कोर्स? ये 18 मई से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। ओके ठीक है, जी ओके ओके ठीक। टीम प्लीज कैन यू शेयर द पीडीएफ फॉर द फीस। जी शीला जी, मैम, इसमें एसेंशियल ऑयल्स और बाक फ्लावर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो इट इज एन एडवांटेज फॉर यू। ओके मैम। जी जी हीरा मैम, इसका जी, मटेरियल हमें परचेज करना होगा ना? हाँ वो आपको एकेडमी से ही प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब लिस्ट प्रोवाइड होगी कि नहीं वो मटेरियल मटेरियल प्रोवाइड? के साथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, मटेरियल भी आप ही देंगे, तो मटेरियल हम मार्केट में बाद में परचेज कर सकते हैं? हाँ वो बाद में आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको भागना नहीं पड़े हर क्लास में, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको चाहिए तो आप हमसे खरीद सकते हो, या फुल कोर्स करने के बाद आप बाद में मार्केट से भी सोर्स कर सकते हो। तो जैसे मैम, एक क्वेश्चन और, जैसे हम कोई सोप बनाएंगे, आप मटेरियल दोगे, तो उसको हम पैक करने का भी, आप पॉलिथिन वगैरह में हम रखेंगे उसको, ऐसा कुछ? हाँ उसको जो है वो पैकिंग जो है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी, तो जनरली जो है मैं आपको सोप बनाना सिखाऊंगी, और उसके बाद पैकिंग वगैरह आप खुद अपनी क्रिएटिव उससे कर सकते हो। मैम, कोई एक पिक्चर देख सकते हैं किसी एक सोप की?
मेरी लैब में है बट मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, बट वो जो जब आप मैं ट्राई करूंगी कि एकेडमी के पास होएगी तो वो अगर आप ग्रुप को शेयर करो ज्वाइन करोगे तो मैं डाल दूंगी। तो जैसे आपने बताया 28 नक्षत्रास कराएंगे, उसमें 3 मंथ्स का आपने कोर्स लिखा है, तो मतलब मतलब गैप लेके कराएंगे? नहीं, हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी ना, और बीच अच्छा, में क्या हफ्ते होता है में। कि मेरा ट्रैवल आ जाता है तो देन वो क्लास वहीं पे थोड़ा सा वो आ जाता है, वो क्लासेस बंद हो जाती है, तो उस वजह से, और 3 मंथ्स के कोर्स चलेगा और 28+ क्लासेस होंगी। मैम जो फीस है वो हम उसमें कर सकते हैं क्या, पे या डायरेक्ट कर, पूरा एक साथ देना होगा? अभी आपको एकेडमी से शेयर हो जाएगा पीडीएफ, तो वो दिखा देंगे अभी। मैम कुछ और डिस्काउंट नहीं मिल सकता इसमें? आई एम वेरी सॉरी प्रिया जी, ये एकेडमी जो है वो आपको, आप उन्हीं से बात करें तो फिर आप, आपको वो बता देंगे। थैंक यू मैम। जी मैम, मैम ये जो आप सोप बोल रहे हैं उसको हम बना के रख सकते हैं या फिर हर बार जो क्लाइंट आते हैं उसके हिसाब से ही फ्रेश बनाना होता है? नहीं, आप इसको बना के 6 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हो। ऐसे तो आप मतलब कि जब क्लाइंट आएगा तो वो वेट ही करता रहेगा ना कि भाई आप बना के दोगे। आपके पास सोप्स रेडी होंगे, एक एक दो दो पीसेस या 6 पीसेस आप बना के रख सकते हो। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी एक सेकेंड, मैं आप लोगों के साथ वो पीपीटी शेयर करती हूँ। सिंध्या जी, यस मैम, बिल्कुल जी आपने चैट में लिखा था आपको, बेसिक मतलब मेरे चार्ट ही समझती हूँ थोड़ा बहुत, 50% हाँ जाएगा, नॉट वेरी मच डिटेल। आई गॉट डिस्कनेक्टेड मैम, अच्छा, बट लेटर यू मेंशन दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज ओके, सो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड वेल, आई विल पिक अप। हाँ तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स। हाँ मतलब इतना तो पता है क्या, देर आर 27 नक्षत्रस एंड व्हाट इज माइन नक्षत्र, समवन एल्सस कैन बी एनी अदर, देर हाउसेस जी एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट द प्लैनेटरी पोजीशंस विल वेरी, एंड मेरे प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम मेरे चार्ट पे है, स्ट्रेंथ एरियाज है वो मुझे पता है, बट दूसरे के लिए मुझे अभी तक उतना मुझे पता नहीं है, मतलब दैट्स गुड इनफ, दैट इज गुड सिखानी है। इनफ। ओके ओके ओके, जी, बट मैम दूसरे ने अगर रेमेडी मांगता है तो फिर उनका नक्षत्र मुझे पता करना पड़ेगा, राइट? हाँ मतलब वो नक्षत्र आपको, वो सब टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी इसमें। ओके, सो बेस्ड ऑन जी दैट दैट
कृष्णा रिकमेंड करेंगे। वन थिंग आई मिस्ड मैम, आप कैंडल के बारे में कुछ वो बताए थे, वो उस टाइम में डिस्कनेक्टेड हो गई थी, सो इफ पॉसिबल अगर आप एक लाइन में रिकैप दे दोगे तो हाँ, दिया तो। कैंडल जैसे हम सोप्स बनाना सिखाते हैं, सोप्स तो इंसान घर में यूज कर सकता है ना नहाने के वक्त, बट जब उसको प्रॉब्लम है तो उन दिनों वो कैंडल भी आप उसको दे सकते हो साथ में, सेम कैंडल, और वो जो कैंडल है दैट ही कैन पुट इट इन द ऑफिस, अपने शॉप पे, जो भी उसका वर्क प्लेस है। यस मैम, जी गॉट इट। जी ओके ओके, सो सो विद यूजिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स फॉर द सेम पर्पस, एडिशनली कैंडल आल्सो कैन बी सपोर्टेड विद द जी सोप। जी गॉट इट, थैंक यू मैम। कोर्स का कंटेंट आपके सामने है। फर्स्ट जो होएगी इंट्रोडक्शन क्लास होएगी, अश्विनी सोप नक्षत्र जो पहला जो सेकंड नक्षत्र के बारे में होएगी, उसकी प्रिपरेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, और बर्थ चार्ट पे उसको कैसे लगाएं, होरारी चार्ट पे आप उसको कैसे देखेंगे, कैंडल फॉर अश्विनी नक्षत्र आपको चार्ज उसको मंत्र से कैसे करेंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन जो है 12 के 12 घरों में देखा जाएगा कि अश्विनी नक्षत्र को कैसे आप 12 के घरों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरी जो क्लास रहेगी भरणी नक्षत्र की रहेगी, और भरणी ऐसे ही हम 28 नक्षत्र को पूरा करेंगे। हर नक्षत्र को आपको प्रिपरेशन, उसका सोप, उसकी कैंडल, उसको कैसे आपने चार्ट में लगाना है, उसकी क्या रेमेडीज, कौन सी रेमेडीज में वो नक्षत्र काम करेगा, और उसको आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है, 12 घरों से आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे पर्टिकुलर नक्षत्र को, वो सारा सिखाया जाएगा। और बेसिक जो लास्ट की जो क्लास रहेगी उसमें हर्बल इन्फ्यूजन बताई जाएगी कि भाई आपके पास, मान लीजिए कि किसी वजह से आप सोप्स नहीं बना सकते, या आपके पास कोई एक उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या रहेंगे, उसको आप हर्बल इन्फ्यूजन करके भी इंसान को छोटे रोल ऑन्स में भी दे सकते हो। तो ये हमारा बोनस रहेगा जो लास्ट क्लास में, कि भाई आपने इंसान को सोप, मान लीजिए कि अब कोई बेड रिडन है, अब आप कोई हॉस्पिटल में है, तो आप बोलोगे उसे, वो बोलेगा इंसान की भाई वो तो नहा नहीं सकता है, वो तो हॉस्पिटल में है, उसके लिए क्या लेके, उसके लिए क्या काम करेगा। तो छोटे रोल ऑन्स में भी आपको ये नक्षत्र के हर्बल इन्फ्यूजन बनाने सिखाए जाएंगे। उसके बाद कोर्स की डिटेल्स हैं। टीम प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड। एटीन मई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। इसके टाइमिंग्स मंडे एंड सैटरडे 11 AM मॉर्निंग में रहेंगे। 3 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा। सारी क्लासेस जूम पर होंगी और ये लाइव क्लास चलेगी, और आपको रिकॉर्डिंग्स 2 साल के लिए आपके पास रहेंगी। डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास में, पूरा क्लास होने के बाद आई ऑलवेज टेक डाउट क्लियरिंग सेशन, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज कि भाई आपके चार्ट्स भी इसमें, जैसे आपके पास कोई चार्ट आया है तो हम उसको भी देखेंगे। और उसके बाद जो है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट और सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। आप इसको, अगर जब भी हमारा ये कोर्स आएगा, आप इसको फ्री रिपीट कर सकते हो एक बार के लिए। आपको स्टडी नोट्स दिए जाएंगे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा एकेडमी की तरफ से। इसकी जो पेमेंट्स हैं, फॉर नए न्यू पार्टिसिपेंट्स इट इज 11,000, और जो डिस्काउंट के बाद 8,100 यानी 8,100 रुपीज का ये कोर्स रहेगा। फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट जो हमारी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे पास कोई भी कोर्स किया है, उनके लिए 6,100 आफ्टर डिस्काउंट रहेगा। ये जो बैंक डिटेल्स हैं, इधर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और जो प्रिया जी, आपने जो हमसे सवाल किया था फॉर द इंस्टॉलमेंट, वो आप टीम से बात कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू फॉर दैट। ये इस कोर्स की ओके ड्यूरेशन और टाइमिंग रहेगा। जी और किसी का कोई सवाल कोर्स को लेके तो पूछ सकते हैं।
मैम जैसे हम किसी को कोई रेमेडी देंगे, जैसे मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे रेमेडी नहीं दिया है, बस मैं चार्ट को एनालिसिस कर लेती हूँ तो, और रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते, जैसे रिजल्ट्स आ गए तो अच्छी बात है, 1% रिजल्ट नहीं आते हैं, तो मैम आप हमारी हेल्प कर पाओगे क्या बाद में कभी, देखो प्रिया या जी, पोस्ट हाँ खत्म बात उसमें खत्म? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हर बार मेरे पास टाइम नहीं होता है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी मुझे मैसेज करते हैं और मुझे लगता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम में फंसे हैं, देन आई ट्राई टू हेल्प। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि भाई इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं अपना भी और सामने का और आपको जो भी मैं सिखाती हूँ, आज तक जितने भी मैंने कोर्सेज कराए हैं, मेरे जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप उनसे पता कर सकते हो कि मैं किस तरीके से सिखाती हूँ, और वही आपको नहीं बता पाएंगे। मैं जो भी स्टूडेंट्स लेती हूँ, एटलीस्ट मैं उनका हाथ पकड़ के उनको पूरा ऐसा सिखा के भेजती हूँ कि भाई वो कभी भी बाहर निकल के ये नहीं बोले कि भाई मैंने कुछ नहीं सीखा उस कोर्स। नहीं तो वो तो उसकी तो आप टेंशन मत लीजिए। आपकी आवाज बता रही है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते होगे इस चीज को, क्योंकि मैंने भी काफी कुछ मतलब इससे मैंने सीखा बहुत है, बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, बट मेरे को ये थोड़ा काफी हिट सा लगा, वो भी मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरी ना रिब्स की जो बोन है वो क्रैक हो गई, इसलिए बैठी हुई हूँ, नहीं तो मैं काम कर रही थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरी छुट्टी है ओके और मेरे को ओके, बेड रेस्ट करना है 3 अब तक, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन कर लिया आपका कोर्स। मुझे एक बात, अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं प्रिया जी, आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र का है? मेरा स्वाति है, नक्षत्र का लॉर्ड लॉर्ड कौन है? किस चीज का, सॉरी आवाज कट गई थी, मैं ये पूछ रही हूं कि स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड लॉर्ड कौन राहु है? राहु ओके राहु, तो आपका जन्म नक्षत्र राहु के उसमें। अब मुझे आप एक चीज और बता पाओगे कि राहु जो है आपकी कुंडली में किसके साइन में बैठा है? मेरा बेटा है वीनस, उसमें सॉरी साइन जो है 6, यानी कि मरकरी के साथ है, 6 नंबर मरकरी की। साइन में, मरकरी 6 नंबर के साइन में बैठा है, और ये कौन से घर में प्लेस्ड है? फोर्थ 4th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। और आपको जब, अब इस चीज में आपकी जो रिब्स की जो प्रॉब्लम हुई है, ये आपके जन्म नक्षत्र ही आपको बता रहा है कि भाई जो मरकरी के साथ उसने रूप किसका लिया, मरकरी का। और कौन सा चरण है स्वाति का? मेरे को लगता है अभी मुझे ऐसे याद नहीं है, बस सेकंड या फर्स्ट है, मतलब लास्ट नहीं है, ओके, सेकंड और सेकंड या फर्स्ट है? या थर्ड, हाँ सेकंड या थर्ड, मतलब फोर्थ होते हैं ना, तो सेकंड या थर्ड है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी। हाँ ओके, जो स्वाति नक्षत्र है वो ब्लेड की तरह काम करता है, और वो ब्लेड की तरह जब भी उसके ऊपर इफेक्ट आता है सैटर्न का, तो वो वहां से ब्लेड उसकी धार लग जाती है और वो काट देता है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक ही चीज, अभी कोर्स स्टार्ट करने से, ताकि आप ये रेमेडी अपने ऊपर पहले करके फिर मेरा कोर्स ज्वाइन करें, फिर आप मुझे बताएं कि भाई आपको इसमें फर्क मिला कि नहीं मिला। ठीक है, थैंक यू मैम। रोज ऑयल है आपके पास? रोज ऑयल यस है, ओके, रोज ऑयल कौन सा है आपके पास? अरोमा वाला है या? ओरिजिनल मिल जाएगा मेरे पास, एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है इन सब चीजों का ना, फ्रेग्रेंस का, तो मिल जाता है मेरे पास, रोज वाटर भी है बिल्कुल ओरिजिनल वाला, मतलब जो डायरेक्ट ग्राउंड से निकाल के और बना के देते हैं वो, ठीक है, तो वो रोज ऑयल, ओके। और और वो भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, रोज वाटर। नहीं, रोज वाटर नहीं, रोज ऑयल आपने लेना है, ठीक है। और उसको जो है आपने, काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च यस, ब्लैक पेपर यस, हाँ, एक छोटी सी पोटली बनानी है आपने ब्लू कलर में, उसमें आपने काली मिर्च डालनी है और रोज ऑयल डाल के उसको बंद करके अपने सिरहाने के नीचे रख लो। जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे आपकी पेन खत्म हो चुकी होगी, तो शायद आपको काम पे भी जाना पड़ जाए। नहीं वो तो मैं घर से ही करती हूँ, फ्रीलांसिंग भी करती हूँ अभी फिलहाल ठीक तो, है, एक सेकंड मुझे देखिए आप। दीजिए।
जी सॉरी, ओके ये करके देखिए आप, आपको बट फर्क। जैसे आपने रीजन भी बताएंगे, जैसे रोज ऑयल बताया, लेकिन जैसे हम राउ की बात करें तो सैंडल ऑयल की बात करते हैं हम लोग, नहीं, मतलब सैंडल। रीजन भी आपको पता चलेगा उसमें, जब हम नक्षत्र टू नक्षत्र पढ़ेंगे तो आपको रीजन भी पता चलेगा। ओके, मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी बिल्कुल। जी तो ये पोटली बना के बस मुझे डेली सोते समय या हमेशा नहीं, आप रखना है? इसको अपने सिराने के नीचे रखिए बस, जब मैं उसमें तो से उसकी सिराना लगा ही नहीं खुशबू। रही, हाँ पिलो लगा जी, नहीं रही, पिलो नहीं लगा रही हूँ आजकल, पिलो क्या नहीं लगा रहे? नहीं लगा रहे हम, लगाना मना है ना पिलो तो उस टाइम। सॉरी, मेरे को समझ नहीं आया। आपने सिरहाना बोला ना, यानी कि पिलो बोला, पिलो के हाँ ओके, पिलो नीचे नहीं लगा। लगा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आपका जो बेड है, बेड का जो है हेड रहेगा उधर भी आप इसको टांग सकते हो। अच्छा, ओके ओके, जी मतलब आसपास रहना चाहिए, तो जो ऑयल है वो धीरे धीरे उसकी फ्रेग्रेंस जाती जाए तो फिर से लगाना है उसमें। हाँ, फिर से उसमें डाल दीजिए। काली मिर्च कितनी, कोई क्वांटिटी वगैरह कुछ ऐसे ही? नहीं बिल्कुल, मतलब कि आप मानो कि 11 दाने काली मिर्च के हो जाएं और उसके ऊपर आप स्प्रे कर दो रोज ऑयल और उसको पोटली में डाल दीजिए। ओके ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू जी वेरी मच। जी जी कुशांगी जी, नमस्ते पूछिए। मैम। नमस्ते। हाँ जी, मैं डॉक्टर मोना दीक्षित सूरत से बोल रही हूँ। वैसे मैं टीचर हूँ, हाँ लेकिन जी, मैं रीकी हिलर और टैरो रीडिंग वगैरह करती हूँ। ये चक्र के अनुसार स्क्रब बनाती हूँ स्क्रब, लेकिन आपके ओके। कोर्स में मुझे इसलिए इंटरेस्ट लगा कि आप नक्षत्र वाइज को सोप मेकिंग विथ कैंडल मैजिक कह रहे हैं, तो कैंडल्स भी जी सिखाएंगे जी जो लंबे बिल्कुल समय तक चले? जी, जितना वो तो आप जितनी बड़ी कैंडल बना के सामने वाले को दोगे उतना ही चलेगा, लेकिन हाँ कैंडल्स आपको सोप्स के साथ साथ कैंडल्स भी सिखाई जाएंगी। हाँ, लेकिन वो जो प्योरिटी वाली होती है वो, अब मुझे ये सवाल है, आपने रेमेडी दी तो थोड़ा मैं थोड़ा ऐसे सोच सकती हूँ कि मेरे जैसे कई होंगे, तो मैं एज अ टैरो रीडर, मेरे टेबल पर ऐसे कौन से फ्रेग्रेंस वाला, ये आपने जैसे उपाय बताया तो कोई उपाय हाँ मुझे भी बताएं, ताकि मैं चारों दिशाओं से क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकूं, जो सबके लिए भी हो। मेरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर ओके, आप कुछ बता सकते हैं तो हम ट्राई करें आपके कोर्स के बिफोर। उत्तरा फाल्गुनी आपका नक्षत्र है तो आप सिंह जो राशि है है, अपने, हाँ जी सिंह राशि है। हाँ, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, आपको ये पता है उसका लॉर्ड कौन होता है? सूर्य, ओके गुड, तो उसके लिए आप जो हैं, और राशि उसकी जो है वो सिंह है आपकी। हाँ हाँ, तो उसके लिए लैंग लैंग ऑयल आता है, उसको जो है आप अपने टेबल पे थोड़े से पानी में उसकी 4 बूंदे डाल के, जब भी आप बैठे सुबह एक, मतलब जैसे आपने अपना जो भी आपका टेबल है सेटिंग है उसको आपने क्लीन किया, उसके बाद वहां पे एक, जब तक आप ये कैंडल बनाना नहीं सीखते, थोड़ा सा एक छोटे से ग्लास के बॉल में आपने पानी लेना है और उसके अंदर 4 बूंदे लैंग लैंग ऑयल की डाल के आप उसको छोड़ दें, और उस वो वहां पे पड़ी रहे सारा दिन, और शाम में जब आप उठ जाते हो उस टेबल से या आप जब बाकी उसको काम को बंद कर देते हो, फिर वो जो पानी है आप अपने बाहर किसी भी पौधे में डाल दें। ओके मैम, स्पेलिंग बोलेंगे ऑयल की? लैम लाइन, लैंग लैंग YLANG, एक मिनट, YLANG। उसी को 2 बार लैंग लैंग। अच्छा, जी YLANG, ओके जी ओके, ये ऑनलाइन मिलता होगा? हाँ, ये आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा। ओके, और मैं जानना चाहूंगी कि हम इंडियन है तो इंडियन अरोमा में कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? सूर्यमुखी? सूर्यमुखी? नहीं, सूर्यमुखी किसी और चीज के लिए यूज होता है। ये आप देखो, ऑयल्स तो सारे जितनी भी हर्ब्स हैं वो सब इंडिया में भी हैं, कुछ हर्ब्स हैं जो इंडिया में नहीं होती हैं वो बाहर होती हैं, अच्छा, तो उसमें जो है आपको नॉर्मली तो जितनी हर्ब्स हैं वो सारी इंडिया से ही उसके ऑयल्स डिस्टिलेशन होके जाते हैं, बट ओके ओके हाँ फाइन। हाँ तो आपको जो है वो ऑयल सारे मिल जाएंगे मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं इश्यू आएगा। अच्छा, ओके ओके,
और आपके पास अच्छी शॉप या कनेक्शन कांटेक्ट हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, वो हमारी एकेडमी जो है वो आपको पूरा गाइड करेगी। अच्छा ओके। अच्छा सेकंड थिंग, आपके अगर मैंने पहला कोर्स तो वही वो फ्री वॉर्म व्हीलिंग वाला लिया था, अब मास्टर मर्लिन का देखूंगी, लेकिन अगर हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा तो ऐसी कोई लिंक मिल सकती है जहाँ क्रेडिट कार्ड हम यूज कर सके? ये जो फोन नंबर है एकेडमी का वो शायद गूगल पे है, ऐसा कुछ हो सकता है? आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो है एकेडमी में एक बार कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ जी यू। जी ओके मैम, मतलब आप इस कोर्स में नक्षत्र जी के अनुसार ऑयल्स बताएंगे, ऐसा? सोप्स सोप्स बनाना सिखाऊंगी। बनाना सिखाएंगे, ओके। एंड जी अगर कुछ हमें खुद पे प्रॉब्लम आ रही है, लाइक कोई पेन है, तो उस पर भी वो वर्क करता है? सॉरी, किस चीज से? मतलब बॉडी में कोई पेन है तो हाँ ऑफ उसकी कोर्स, पे? जी यस। लेकिन लेकिन जो भी कोर्स को मेरी फिर से एक सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करे प्लीज उसको वैदिक या केपी की थोड़ी सी भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हम इसको वैदिक और उसमें वो नहीं पढ़ाएंगे। ओके जी जी मैम, थैंक यू मैम। जी यूर वेलकम। कुशांगी जी पूछें। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे जैसे ये पूछना था कि मुझे ना नक्षत्र जो होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जैसे अगर हमारे पास कैंडल्स ऑलरेडी बहुत सारी रहती हैं तो जस्ट बाय यूजिंग सर्टेन इंग्रेडिएंट्स या ऑयल्स हम उसको उस वे में एनर्जाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप वैक्स को मेल्ट करके ऑयल्स अपने हिसाब से ऐड करके यूज कर सकते हो। अच्छा इन्फ्यूज ही करने पड़ेंगे? हाँ ओके, मतलब ऊपर से हम उसको कुछ रिचुअल करके या फिर उसके ऊपर कुछ हर्ब्स डाल के वैक्स मेल्ट वो ऊपर कर से सकते हो, करके? वो भी कर सकते हो आप, बट द थिंग इज ओके कि जब वो मेकिंग होती है और वो कैंडल को चार्ज किया जाता है तो वो हाँ पर्टिकुलर, अभी आप उसको दिशा दिखाओगे ना कि भाई इस हाँ दिशा में तुझे काम करना है। अब एक ही हाँ नक्षत्र एनर्जाइज के, करना होगा। हाँ हाँ एक ही नक्षत्र के आपके पास 12 प्रॉब्लम्स हैं, जी मैम। 12 घर हैं। अब वो 12 प्रॉब्लम्स को उसको दिशा तो दिखानी पड़ेगी ना आपको कि भाई मेरे को इस चीज के लिए तेरे को काम करना है। ओके। और मैम जैसे अगर हम बहुत ज्यादा मेकिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, जस्ट बिकॉज मैम आपका नॉलेज तो, मतलब अभी मैंने आपसे कोर्स ली, अभी चल ही रहा है फेंगशुई का, तो मुझे नक्षत्रास के बारे में, जैसे अभी आपने राहु को कनेक्ट करा ब्लैक पेपर से, फोर्थ हाउस को आपने कनेक्ट करा, तो अगर हमें नक्षत्रास की इंफॉर्मेशन के लिए ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आपने इसको कैसे, देखो दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया आई एम गिविंग। क्योंकि चलो मैं तो बाहर हूँ, मैं तो अपना यहाँ पे इट्स बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 3 इयर्स एंड आई हैव यूज्ड इन ऑन मेनी ऑफ द क्लाइंट्स। और आज हमारा पुराना 21 में नक्षत्र सोप आया था विच वॉज अ बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग, उससे ये बहुत अलग है। और उसमें भी जो सोप्स लोगों ने इंडिया में बना के दिए और उससे जो इफेक्ट्स आए एंड वी वर ऑल अमेज्ड। तो इस थ्योरी को पिछले 3 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ एंड दिस हैज बीन टेस्टेड एंड ट्राइड, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। ओके, तो तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ये होनी चाहिए कि नक्षत्रास क्या है, उनके लॉर्ड्स क्या है, कौन से हाउस हाँ में वो तो सब प्लेस आपको है। पढ़ाया जाएगा ना, वो तो सब आपको अच्छा पढ़ाया वो भी जाएगा आप खाली। पढ़ाएंगे? ओके हाँ वो ओके तो ठीक है। पढ़ाया जाएगा खाली, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगी इस कोर्स में वो ये कि भाई अगर आप मेरे आगे सामने बैठो और आप मेरे से पूछो कि ये नक्षत्र है क्या, ये 12 घर हैं क्या, ये नहीं मैं पढ़ा पाऊंगी ना। हाँ हाँ ठीक है मैम, ठीक है। तो जी वो तो नक्षत्रास की आपको, इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना मैम? हाँ कुशांगी जी आप तो वैसे ही इतने ब्राइट स्टूडेंट हो मेरे, तो आपको तो चिंता नहीं मैम, करने की आपका जरूरत ही। पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे फेंगशुई में स्टार्टिंग में तो आपको भी पता है आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट आपने जिस तरह से पढ़ाया आप, काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। गुड। और एक क्योंकि चीज और एक्चुअली इसको, मैं नक्षत्रास में कार्ड्स ही बनाने का सोच रही हूँ कि जैसे कोई भी नक्षत्र है, फॉर एग्जाम्पल आर्द्रा है, तो अगर उसका डायमंड है
फिर मैं उसमें ही उसके ऑयल्स या इस तरह से फिर फर्स्ट टू लेकर 12th तक जो भी चीजें होंगी, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनको ना कार्ड्स में ही कन्वर्ट कर लूं वो आप ताकि कर सीधे पाओगे। वो और कार्ड एक निकालूं। चीज कुशांगी जी, एक चीज और, आपने फेंगशुई सीखी है मेरे साथ, उसमें जो एलिमेंटल थ्योरी पे मैं हर बार आपको बात करती हूँ ना, वो भी आप हाँ नक्षत्र से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है मैम, जी, ठीक है मैम, तो तो उसमें मैं भी आपको ज्वाइन कर लूंगी फिर। फेंगशुई में भी आपको ये मदद करेगा। ओके मैम, क्योंकि एक्चुअली सोप का आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे इतना टाइम मिल पाएगा, मतलब रहते हैं सेशंस वगैरह भी रहते हैं तो कि मैं बना पाऊं, लेकिन अदर देन दैट आई एम इंटरेस्टेड कि इन्फॉर्मेशन काफी मिल जाएगी, लाइक हाँ, वो कनेक्टिंग आप अपने विथ पास, हर्ब्स, ठीक है, आप नहीं कनेक्टिंग बना विथ, रहे सोप्स तो आप कैंडल बना सकते हो। देन आप हाँ दूसरी चीज रोल ऑन्स बना सकते हो। इट्स नॉट ओनली सोप्स, आप रोल ऑन बना सकते हो ना। हाँ मतलब ऑयल्स के अंदर हर्ब्स इन्फ्यूज करके ना, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। उनके ऊपर हम नेम लिख सकते हैं कि ये इस नक्षत्र का है या ये इस हाँ, मतलब हाउस आप का जो है। है उसको कस्टमाइज करो अपने हिसाब से। क्रिएटिविटी ठीक तो है आप मैम, लोगों में अपने आप आती है, हम लोग थोड़ी, और जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजी साइंस या ऑकल्ट साइंसेस में आते हैं, वी आर ऑल क्रिएटिव पीपल। हमारे पास हाँ मैम क्रिएटिविटी है, वही, तभी हम एंटर करते हैं इस चीज के अंदर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, मैं ज्वाइन कर लूंगी, सी यू जी, इन क्लास ओके, मैम, बाय जी मैम। जी बाय। राहुल जी पूछें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मैं कह मॉर्निंग। रहा था मैम, ये कोर्स कितने महीने का है मैम? 3 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस हैं। मंडे टू एक मंडे 11 AM, सैटरडे 11 AM। अच्छा, मंडे और सैटरडे 11 AM में। ओके, जी वैसे तो मैम मैंने मिथुन सर का अभी कोर्स खत्म किया है, नक्षत्र का ना, वो जो कर्म विपाक करके है ना, वो कोर्स किया था मैंने भी, ओके। तो हालांकि अभी भी नक्षत्र की बिल्कुल मैं डेप्थ में तो गया नहीं, मैं तो क्वेश्चन आंसर ही पूछता था सर से, और बाकी वैदिक की भी इतनी मुझे खास गहरी नॉलेज नहीं है मैम, थोड़ा सा ये है तो। आपने जो नक्षत्रा का कोर्स किया, थोड़ा सा आप लाउड बात करोगे? मैम अभी नक्षत्र का किया था मैम, मैंने कर्म विभाग किया था मैंने थोड़े दिनों पहले, हाँ, तो अभी फिनिश हुआ है। उसमें आपको 27 नक्षत्र या 28 नक्षत्र के लॉर्ड्स और उसके बारे में बताया गया होगा ना। हाँ जी हाँ जी, और दूसरा कि आपको वैदिक की इतनी तो बेसिक नॉलेज होगी कि भाई 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। हाँ, ये तो है, मुझे तो ये तो थोड़ा बहुत पता लग गया, क्योंकि 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ ना मैं गुरु ज्ञान ऐप से, तो हाँ, इतना मुझे तो नॉलेज तो हो गई थोड़ी बहुत, बट अभी भी ये है कि हाँ पहले तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं देखता था कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, अभी भी ये थोड़ी दिक्कत आती है, बट फिर भी धीरे धीरे कुछ चीजें तो क्लियर हुई है मेरी। ओके। तो मैम ये कब से स्टार्ट है? अच्छा, ये 18th मई से। हेलो हेलो हाँ जी मैम, मैम, मैं नीलिमा बात कर रही हूँ। जी, एक मैं सेकंड दीजिएगा नीलिमा जी, एक सेकंड राहुल जी से बात हम खत्म कर लें, फिर हाँ जी मैम, आपकी मैं आपसे बात करती अच्छा हूँ। थैंक यू, जी मैम एक चीज जी बस सॉरी। ये चीज पूछनी है मैम कि ये कोर्स मुझे किस तरह से बेनिफिट दे सकता है, मतलब थोड़ा सा जैसे ये सॉप है तो सॉप किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है, तो सोप वो। आपको इस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं कि आप इसको, इससे बिजनेस कर सकते हो बना के। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हो या आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो आप उनको रेमेडी सोप के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब जी सॉप कैसे बनानी है, जैसे जैसे दिल्ली में भी कई लोग कोर्स कराते थे, जैसे गांधी सर, आश्रम वो इसमें सॉप इसमें बनाना है, आपको वैसे प्रैक्टिकल बनाए। क्लास भी मिलेगी। अच्छा जी ठीक है ठीक है, तो अच्छा, तो इसके लिए भी मतलब मुझे मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना मैम, जैसे हाँ, वो वो। आपको जो है लिस्ट ऑफ मटेरियल और उसकी कॉस्ट वो जूम, ये सॉरी, हमारे एकेडमी से मिल जाएगी। और जब हम क्लास कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड क्लास से हम सोप बनाना स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट सोप अश्विनी का। तो उसमें क्या है कि आपके पास वो सारा मटेरियल होगा, तो आप उसको बना सकते हो फिर साथ में। मैम वैसे सॉप बनाने के तो डाई वगैरह चाहिए होती है ना, कुछ कहते हैं कि जैसे स्पेशली कुछ मशीन्स होती हैं डाई होती है, या हाथ ऐसा से बन कुछ नहीं जाती है, ये ग्लिसरीन बेस्ड सोप रहते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू मेक।
अच्छा, तो इसके नहीं, तो सॉप बनाने के बाद आप कुछ रेमेडीज भी देंगे कि लाइफ में, जैसे मेरे चित्रा नक्षत्र है मेरा, तो उसका बता सकते हैं क्या क्या होना चाहिए? जब हम पूरे नक्षत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको अपने आप, ये सारी रेमेडी बेस ही कोर्स है अच्छा, जी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, फिर बताता हूँ मैं आपको। पूछे। नीलमा जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आपने जो बोला वो, जो मैं तो सोप में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सोप कैसे बनाना है वो सीखना है मुझे, वो नक्षत्र वाइज सोप बनेगा है ना? जी तो अगर मेरे पास सपोज कोई आएगा, वो तो नक्षत्र लेके तो नहीं आएगा, वो तो आएगा वो अपना दर्द लेके आएगा, और सपोज उसको नक्षत्र मालूम नहीं है, तो ऐसे ऐसे वक्त मैं कौन सा सोप दे सकती हूँ उसे? कुछ ऑल पर्पज सोप भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस समय वो आपके पास आएगा और अपना प्रॉब्लम लेकर आएगा, उसको अपना हाँ नक्षत्र मालूम नहीं है, उसको अपनी जन्म डेट तो मालूम होगी ना, हाँ ठीक है, तो उससे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। फिर दूसरी चीज जो है, एक होरारी और प्रश्न कुंडली पे भी आप लगा के सोप को चेक करोगे कि भाई ये जो मैं दे रही हूँ ये सही है कि गलत। वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी, मगर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पीछे से। उसका मतलब है कि उसे नक्षत्र नहीं पता है तो मुझे उसके बर्थ डेट से नक्षत्र हाँ, ढूंढना मतलब पड़ेगा? आपको, हाँ आपको एस्ट्रोलॉजी मालूम होनी चाहिए, वैदिक आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके मैम, ओके, जी थैंक यू मैम। जी मैम, तो इज इट लाइक दैट, मतलब मेरे जो प्लैनेट है, मैं उसके लिए अगर सोप एंड कैंडल बनाऊंगी एंड यूज करूंगी, इफ आई यूज द कैंडल फॉर एन मेडिटेशन पर्पस और रिचुअल पर्पस, और ऐसे भी बर्न करके रखूंगी विथ इंटेंशन ओनली, तो दैट विल हील द नेगेटिविटी एसोसिएटेड टू माई मेन प्लैनेट, राइट? नॉट प्लैनेट, नक्षत्र। इज इट लाइक दैट? सो इट विल कीप हीलिंग द नेगेटिविटी एसोसिएटेड टू माई नक्षत्र। दोबारा बोलें, आपने इतना कुछ बोला मुझे थोड़ा ही थोड़ा समझ में आया, बिकॉज आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं थी। ओके मैम, सॉरी मैम। मैम मैं ये अभी सुनाई दे रहे? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। यस, गो अहेड। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, मतलब किसी ने अगर खुद का नक्षत्र स्पेसिफिक सोप बनाया, क्या कैंडल बनाए, क्या दूसरे को रिकमेंड किया उनके नक्षत्र के हिसाब से अगर प्रोवाइड किया है, तो बर्निंग द कैंडल ड्यूरिंग मेडिटेशन और इवन नॉट ड्यूरिंग मेडिटेशन, मतलब इंटेंशन सेट करके भी अगर बर्न करके रखा है वो कैंडल, तो और ड्यूरिंग मेडिटेशन भी अगर बैठा है वो कैंडल लेके, क्या वो सोप को अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो डज इट कीप हीलिंग द नेगेटिविटी एसोसिएटेड टू दैट नक्षत्र? सी दिस, योर क्वेश्चन इज कि ऑल द रेमेडीज विच यू विल बी मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ सोप एंड कैंडल्स, विल इट टेक आउट द नेगेटिविटी ऑल्सो, राइट? हाँ, मतलब इसका पर्पस क्या है, वही इसका पूछिए, मतलब विल पर्पस, इट कीप हीलिंग? इसका पर्पस जो है टू हील योर प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई हेल्थ का इश्यू आ रहा है या आपका काम का हाँ इश्यू आ रहा है, तो हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई इट? वो रेक्टिफिकेशन जो है, दैट ओके, विल बी नोन विद योर बर्थ नक्षत्र, और उस बर्थ नक्षत्र का सोप एंड कैंडल आप बनाओगे, एंड देन फॉर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको, जो है पर्टिकुलर डे पे आप बनाओगे, उसको चार्ज करोगे, उस चार्ज करोगे जिसको देना है, उसके नाम से भी चार्ज करके उसको दोगे, एंड देन ही इज गोइंग टू यूज द सोप एंड ही इज गोइंग टू लाइट द कैंडल। ही कैन यूज इट, द लाइटनिंग द कैंडल कैन बी डन ड्यूरिंग द मेडिटेशन ऑल्सो और नॉन मेडिटेटिव टाइम्स ऑल्सो। ही कैन यूज इट इन द ऑफिस, इन द बेडरूम, इन द होम, मतलब वो कहीं भी कैंडल यूज हो सकती है, और वो नहाने के लिए वो सोप यूज करेगा। ओके, जी, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। और किसी का कोई सवाल कोर्स को लेके? बाकी आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारी एकेडमी में फोन करके बात कर सकते हो, और चैट में लिंक दिया गया है, आप उस के व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो।
मैडम हाँ जी मैं थोड़ा क्लास लेट ज्वाइन करी तो मेरे को शॉर्ट में थोड़ा सा समझाए कि ये क्लास बेसिक क्या रहेगी, और ना नक्षत्र और साबन बनाने का तो समझ में आया है। जी, तो ये जो कोर्स है ये आपको नक्षत्र सोप रेमेडीज विद कैंडल मैजिक, तो बेसिकली आपको रेमेडियल पार्ट जो कि जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको आए दिन प्रॉब्लम का सामना, सामने वाले को रेमेडीज देनी पड़ती है, जैसे किसी का तो गुरु सूर्य कमजोर है, गुरु कमजोर है, या सूर्य सूर्य नीच हाँ एग्जैक्टली का है, गुरु एग्जैक्टली, तो क्या नीच दशा चल रही है उसको, जो दशा में जो प्रॉब्लम दे रहा है ग्रह उसके का है। नक्षत्र का सोप आप उसको दे सकते हो। तो पहले उसकी दशा निकालते आना चाहिए अपने को। एग्जैक्टली, तभी तो मैंने आपसे कहा कि वैदिक की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, यदि अपने को दशा नहीं निकालते आती तो फिर ये मतलब नहीं रहेगा ऐसा ना, नहीं, ये फैंसी या कोर्स नहीं है। हाँ, या फिर जैसे अभी वो पत्रिका में आगे से आगे वो बता देते ना, इसमें इसकी महादशा, आजकल सॉफ्टवेयर ऐसा आते हैं तो वो बता देते, तो उसको देख के फिर अपन ये रेमेडीज बना सकते हैं ना। हाँ आप बना सकते हो, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आपको कुंडली अच्छा, देखने की नॉलेज होनी चाहिए पूरी, तभी आप इसको आगे लेके जा सकते हो। मैम आई तो हैव अ क्वेश्चन। अच्छा हाँ मैम बोलिए। जी जी बोलिए। ये हर सोमवार और शनिवार क्लास रहेगी। जी सुबह 11 बजे। अच्छा, 3 महीने में कंप्लीट होगी ये ऐसे, मतलब जी जी इसकी कितनी कितनी क्लासेस रहेगी 3 महीने में, मतलब 28 25। प्लस क्लासेस रहेंगी और 3 मंथ्स अच्छा का, हर वीक में 2 क्लासेस हैं। अच्छा हाँ, नहीं जैसे 12 नक्षत्र है तो 12 नक्षत्रों का पूरा नहीं 12 का नहीं वो सरोज बता। जी, 28 नक्षत्र होते हैं। अच्छा हाँ, 27 जी नक्षत्र बराबर है, तो वो हर दिन एक एक नक्षत्र का पूरा पूरा आप बताते जाइए ना। हाँ ये हाँ आद्या, हाँ भरणी, पुष्य नक्षत्र, यही सब आते हैं ना उसमें, जी बिल्कुल है ना। तो जी जैसे उसी के हिसाब से सब रेमेडीज बताते जाएंगे आपकी, उसमें इसको ये करना, उसमें वो करना। जी अच्छा, ये साबुन बनाने का मटेरियल जो रहेगा वो अपने को एकेडमी से लेना पड़ेगा या कहीं और से भी मिल जाएगा? आप इसको बाहर, जब एक बार आपको मटेरियल पता चल गया तो आप इसको बाद में बाहर भी सोर्स कर सकते हैं, और अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ईज के लिए ये एकेडमी भी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, तो जैसे इसकी कोर्स की फीस आपकी कितनी है मैम? इसकी जो कोर्स की फी है, अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट हो तो 6,100 है, अगर न्यू पार्टिसिपेंट हो हमारे एकेडमी में तो इट इज 8,100। अच्छा मैम, अच्छा ये तो 6,000 तो इसकी फीस हो गई, और अपन जो मटेरियल अलग से सावन का वो मटेरियल लेंगे तो उसका उसमें, अलग है रहेगा, जो सिक्स ना। थाउजेंड का जो फीस है वो अगर हमारा कोई पार्टिसिपेंट जो हमसे कोई कोई कोर्स किया है अगर हमारी एकेडमी हाँ से, हाँ तो वो तो वो समझ गई, यहाँ तो अभी हाँ एकेडमी के ही सारे स्टूडेंट है जो भी है, तो वो अगला अगला मतलब कुछ अच्छा आते जाता तो वो ओके अगला ठीक काम करते ही हैं। जैसे है मैडम ठीक है। इसमें ये लेवेंडर आयल और ये सब तो अपने को क्या अमेजोन और इसी पे जाके और लेना पड़ेगा क्या, बारसोला आयल ऐसे, कि कहीं और भी मिलता है? सरोजी सॉरी, मैं इंडिया में बेस्ड नहीं हूँ एंड आई विल नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। वो जब आप मतलब कि ये सारी चीजें तो जो भी यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में बेस्ड हैं वो आपको ज्यादा बता पाएंगे नहीं, जैसे मेरे को वो। पहले पता चला था मनी आयल पर, पता चला कि मनी आयल जैसे मार्केट में जनरली सर्च करने गए तो मनी आयल नाम से कोई आयल नहीं आता ऐसे, फिर पता चला कि वो 3-4 चीजों को मिक्स करके और बनाया जाता है। हाँ तो वैसे ही आपको इस कोर्स में कैंडल और वो सब, क्योंकि फाइनेंस की बात करेंगे हम, मतलब 12 घरों की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसकी सबकी बात करेंगे ना, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो इसमें मनी आयल भी बनाना आ जाएगा? मनी एज अ मनी ऑयल नहीं बनाना सिखाया जाएगा आपको, जो फाइनेंस के इश्यूज हैं वो, जैसे 27 नक्षत्र हैं, अब वो 27 नक्षत्र में इंसान पैदा हुआ है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको दशा रीडिंग से उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बताया जाएगा। अच्छा, तो इससे मतलब वो मतलब जो ब्लॉकेज आ रहा है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो उसमें उस ग्रह का और उसकी हाँ वो रेमेडीज हाँ देने से वो शादी के ब्लॉकेज है तो वो हट एग्जैक्टली जाएंगे।
तो ये मतलब कितना परसेंट अपन बोले 60-70% तक जाता है या 90% तक सक्सेस किसी जाता है? किसी 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 केस में 90% भी जाता है, किसी किसी केस में 50-60% भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई वो जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है और आपने उसको कैसे डायग्नोस किया है। हाँ, क्योंकि अभी तो आजकल 30-30 साल में शादी नहीं होती है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है ना, या किसी के रिलेशनशिप नहीं है, किसका क्या है, तो इन सब चीजों में यही यूज करे ना। जी जी ओके जी चैट में कुछ मैसेजेस हैं। ज्योति जी ने लिखा है चार्जेस कोर्स के क्या होंगे। आई गेस ज्योति जी मैंने अभी आपका जवाब दे दिया है। मैम ये सिर्फ ओके मेडिकल बेस है या और प्रॉब्लम्स रिमूव करेगा? ये मेडिकल बेस सारी प्रॉब्लम्स जो भी हमारी लाइफ में ऊपर वाले ने हमारे कर्मों के थ्रू आती है वो नक्षत्र बेस पे हम उसको यूज कर सकते हैं, इस सोप्स को बना के हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। सोबी जी ने लिखा है साइड इफेक्ट्स होता है क्या? सॉरी सोबी जी, दीज आर ऑल नेचुरल सोप्स मेड विद द नेचुरल अरोमा ऑयल्स एंड हर्ब्स, और इसका जो बेस रहता है दैट इज योर ग्लिसरिन बेस, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ऑन द बॉडी ऑन द स्किन बेसिस पे। और अगर आपने उसकी मर्ज को सही पकड़ा है और उसका इलाज आपने सही सोप से दिया है तो कार्मिकली भी आपको कोई साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलता है। सपना जी ने लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज फाइन। यस, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्लीज विदाउट बेसिक नॉलेज आप ये कोर्स ना ज्वाइन करें। गोपाल जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो आप हैंड रेस करके मुझसे यहाँ बात कर सकते हैं। तो आई थिंक कि पुष्पा मैम, व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट मैम? जी गुड यस मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आई जॉइन मैम, बट व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट मैम? इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन 18th मई, जो हमारा 18th। फेंशुई का टाइम है ना, इट्स अ सेम हाँ, टाइम एंड सेम डेज। ओके। इफ दैट फिनिशेस यू विल स्टार्ट दिस कोर्स। या वी आर ओके गोइंग टू फिनिश ना, अभी दो ही ओके क्लासेस यस रह गई है यस ना उसकी। यस यस जी मैम, यस जी मैम। जी ओके, वेल जॉइन मैम, वेरी जी इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट विल हेल्प यस यू इन योर फेंगशुई आल्सो। यस जो मैम, एलिमेंट आई लर्न्ड केपी इन बैंगलोर। ओके आई नो लिटल अबाउट द वैदिक हाँ, सो एस्ट्रोलॉजी इट इज एंड वेरी स्टफ। गुड। या बट यस ये आपको यस फेंगशुई में भी हेल्प करेगा। ओके मैम, थैंक जी यू। यू आर वेलकम। चलें तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द क्लास। सिंथिया जी आई नो आई विल सी यू इन द क्लास। सो आप लोगों को आई होप कि ये कोर्स समझ में आया हो, और अगर और भी कोई क्वेरीज हैं आपकी तो हमारा ग्रुप है, चैट ग्रुप है, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती वो अनपेड ग्रुप रहेगा, आप उस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, मैडम, आप थैंक कहाँ से यू। बोल रहे हैं? सरोज जी आई एम दुबई बेस्ड, मैं दुबई में रहती हूँ। अच्छा, ओके, थैंक जी यू मैम, जी थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। थैंक यू सिंथिया जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, मैडम आपका थैंक यू।